उपेन्द्र हुड्डा राम धान सिंह उपेन्द्र हुड्डा सबसे मेरा अनुरोध है और सभी को मौका दिया जाएगा स्वागत करना। देखिए आए हैं भगवान बन के, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं, अरे लगी हुई उड़ी सब हस्ती नारी को धूम उठा है, हमें वहां बैठाया, जय फूट का रास्ता की करवाया और हमारी इस याद हो रही है। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, केदार दिनेश सनक काशीराम सत्य तेलर मास्टर लीला मास्टर सतीश सनक पाचन टोकरा सनक सुखा अब अगले समाज के लिए मैं हरिजन समाज से गुजारिश करूंगा कि जो तैयार है तारचंद साहब दयानंद साहब फतेह चंद पंच धर्मपाल झगड़िया से लोकनंद्रा इनका आशीर्वाद हम तक होता है। धर्मपाल चंदो धनीरा कृष्ण चंदो भोलूरा मुंशी फॉरमैन चंदो राम सिंह जले चंदो बत्तू रघु रघुवीर इंटरनेट विनोद चंदो जोशीलाल प्रमोद चंदो सिंगूलाल अमर सिंह चंदो मारूराम जगमाल सत्यलाल चंदोप श्री हरदेव सिंह होशियार चौबी परवीन दामोदर राय राधे श्याम भगत जी कैलाश गनी मोहम्मद पप्पू खान असगर अली सलीम खान मोहन राणा सुंदर राणा अनुरोध करूंगा असगर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और नेताजी को पगड़ पहनाए। सैनिक सेवा संगठन और ये हमारे बीच में आए हैं सतीश कुत्रा जी देश ऐतिहासिक सभा में मैं समझता हूं कि पिछले 20 साल में मैंने इस तरह की सभा इस तरह का जोश और इस तरह का जज्बा अपने गांव पुराना के अंदर पहले कभी नहीं देखे। इसके लिए सभी सम्मानित भाइयों का नौजवान साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और ये मानता हूं कि आप लोगों ने
दिल से एक मन बना लिया। ये पिछले 10 साल के बाद में जनता पार्टी की जो सरकार रही और उसने जो निराशा और जो मायूसी का माहौल किया उससे हर बार पीड़ित है और उस पीड़ा को मिटाने के लिए जरूरत है हम एकजुट होकर के उस सरकार को पुनः और आने वाले 5 अक्टूबर में एक ऐतिहासिक फैसला लेकर के कांग्रेस का बहुमत देकर के प्रदेश में सरकार बना। इसमें क्या जो है कि सरकार कांग्रेस की प्रदेश के अंदर बन रही है उनमें बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ। लेकिन मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ये सांसद अपेक्षाओं में और विश्वास के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मतदान देकर के सत्ता स्थापित की थी जिसके बारे में हमारे भाई प्रेम मास्टर जी बहुत विस्तार से आप लोगों को बताते रहे और कहा था कि हम आपके जीवन को सदा के लिए बदल देंगे, अच्छे दिन लेकर के आएंगे, हर वर्ग को खुशहाल बना देंगे, किसान को फसल का भाव मिलेगा, जवान को उसका रोजगार और सम्मान मिलेगा, पहलवान को उसका अपना सम्मान राष्ट्र के नाम मिलेगा और 15-15 लाख रुपए आपके खाते मिलेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार स्थान मिलाएगा। बहुत बहुत सोच करके शायद कांग्रेस जी के सालों से प्रदेश में अपने इसके दर्शकता में रही ये हमसे ज्यादा नहीं पाएंगे तो ये बदलाव करके देखते। लेकिन 10 साल का मैं तुम अनुभव बताता कि उनके नियम में माने उनकी बताई हुई चीज और उनकी कही हुई भी चीज आज तक वो क्रियान्वयन नहीं कर पाए और यही एक कारण है कि आज हर वर्ग का खुश है, चाहे वो किसान है, चाहे जवान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी। जिस किसान की हम बात करते हैं उस व्यवसाय से आप चिंतन हरियाणा को बताया जाता है किसी बदाम प्रदेश से, लेकिन हकीकत क्या है कि आज किसान का भी बदाम है। आपने उदाहरण रखा होगा दिल्ली में 13 महीने तक आंदोलन चला और मजबूर होकर सरकार ने 3 साल का आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन एक शब्द जो 700 किसान भाई गयों के बारे में सारे बोली जा रही है ये क्या ये बताता है कि इनके किसानों के प्रति कोई सहमति नहीं है। अगर सहमति होती वो किसान खेत की बात करते, इन्होंने कहा था किसान क्या हम मेरे डबल कर देंगे, लेकिन आज लोग कह रहा है वो किसान जो इतना प्रेशर में है जो सूख की धरती का सीना चीर के अनाज उत्पादन करना जानता है, अपने पसीने से जिसका भूमि का प्रेम करना जानता है, लेकिन जब अपनी कमाई अपनी शक्ति फसल बाजार में लेके जाता है तो उसको भाव के नाम पर MSP नहीं दिया जाता और फिर वो अपने प्रधानमंत्री में आंसू बहाता है। ये क्या हुआ मेरे साथ? आज डबल आमदनी की बजाय खाद का कट्टा 45 किलो कर लेगा 50 से और भाव बढ़ा दिया गया। क्या यही किसान का डबल आमदनी है? यही आज जवान का है, यही इलाका किसान और जवान के नाम से जाना जाता है। अपने गांव के अंदर भी बहुत सारे सैनिक हैं, लेकिन आज हमारी नौजवान पीढ़ी नाम खुश पहले 200-200 लाइन के समय के बच्चे दौड़ देते और जब कोई पूछता था कि किस लिए दौड़ रहे हो कि हम फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं, हम अपने ताकत के दम के ऊपर आने वाले भोज के बच्चे में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे, अगर देश के काम आए तो शहीद कहलाए। लेकिन इन्होंने उसका भी रूप बदल करके और एक अग्निवीर नाम की योजना दे दी, जो अग्निवीर जिसके अंदर 4 साल में बच्चा काम करेगा, 18 साल में जाके 22 साल में 100% रिजेक्ट होता जाएंगे और जब वो घर आएगा तो उसको ना तो एक्स-सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा, ना उसकी कोई पेंशन होगी और ना ही उसकी कोई आने वाले समय में जॉब सिक्योरिटी होगी। जैसे बहुत से रिटायर होकर दोबारा सेवा में मिल जाती है उसको कुछ नहीं होगी और याद तक कि अगर उस 4 साल के दौरान हमारा बच्चा शहीद हो जाता है
तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये किस तरह की फौज है? ये फौज का राजवाल किसान का मजदूर के मजदूर को आप समझते हैं जब सुबह जाता है और एक चौक पर खड़ा होकर लेबर चौक के नाम से इंतजार करता है कि शायद कोई रहनुमा आएगा और मुझे अपने रोजी रोटी के लिए बुलाएगा। लेकिन माई उसी तब आती है जब 12 बज जाते हैं, कोई आदमी उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो बुला भी जाता है माई उसी में कि हो सकता है कोई मेरे लिए नहीं आया, कहीं कोई यहाँ से ले जाएगा। क्या इसी बात के लिए आपने अच्छे दिन की बात की थी? वो अच्छे दिन कहाँ चले गए? लोग कहने लगे हैं कि कोई लोग आते मुझे वो बीते हुए दिन जब कांग्रेस के राज के अंदर हरियाणा एक नंबर रोजगार में था, एक नंबर इन्वेस्टमेंट में था, दो नंबर जीडीपी में था, कानून व्यवस्था एक नंबर की थी और सब जगह व्यवस्थित ढंग से चलने की हर वर्ग पर घुसकर अपने पसंद का काम करता रहा। अचानक ये क्या हुआ? इन लोगों ने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सोचने के लिए राजनीतिक रंग किया। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर वो लोग भी रहते हैं जो बहुत से ज्यादा मेहनत और पसीना बहा करके प्रदेश और देश को मजबूत करने में लगे रहते हैं। आपको उनका शोक होना चाहिए। ये किसान जिसका हृदय इतना विशाल है कि वो सबका होता है, जब विदाई करता है तो कहता है कि मैं हाली का भी हूँ, पाली का भी हूँ, पौधों का भी हूँ, पक्षी का भी हूँ। कभी अपने फसल के नुकसान को खुदा से शिकायत नहीं करता और ये कहता है कि शायद भी यही इच्छा थी, फिर मैं अपने श्रम करूंगा, फिर दोबारा से अनाज पैदा करके आऊंगा। क्या उस किसान के साथ रखते ना इंसाफ कर सकते? दोस्तों आपको सोचना है कौन अच्छा कौन बुरा। 10 साल में जो कटुआ का उम्र के आधार में अगर कांग्रेस और भाजपा की तुलना करोगे तो उस राज्यों के अंदर कांग्रेस का 15-17% भारी होगा। क्यों? ये विकास नाम की एक चीज मुझे बता दे। जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कियो एक यूनिवर्सिटी बता दे तो दियो, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो मैं बता देता हूँ जो हो चुकी थी जो करेगी। पूरे हिंदुस्तान में एक डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी जिसकी फाउंडेशन मनमोहन सिंह जी ने रखी, एक कैप्टन ने रखी, सोनिया जी ने रखी और तो भूपेंद्र जी बता दें आज तक उसकी एक ईंट नहीं लगी है। क्या सैनिक बाहुल्य क्षेत्र उन सैनिकों की रक्षा के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर या कोई विश्वविद्यालय बनता ये उसको नहीं पता चला? आज तक नहीं किया हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज बता दिया जो इन्होंने सरकारी तौर पर किया, जबकि हमने जैनाबाद के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज 55 करोड़ की लागत से बनाया था। एक आयुर्वेदिक कॉलेज बता रहे हमने नागौर के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया था। और फिर जहां तक बात है किसी मेडिकल कॉलेज की, पुराने प्रस्तावित को छोड़ दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज था उसको भी हमने बनाने से काट के उसको चंदे रस्ते में डाल दिया। आपके सामने ये रोड जो नेशनल हाईवे था इसको डीओटी फाइल करके स्टेट हाईवे बना दिया। जब हमने प्रपोजल रखा था उसके पीछे एक सोच थी क्योंकि हम यहाँ आईएमटी गोडाउन बनाना चाहते थे और यहीं से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक वेबसाइट लॉन्च किया था जिसमें पीला हेलमेट साइड पे और उनके पीछे से एक बड़ी चिमनी से धुआं निकल रही है और नीचे लिखा हुआ है आईएमटी गोडाउन। यहाँ के अधिकारी आए, ये भाई नरेंद्र जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं और रामपाल जी बैठे हैं, ये स्वयं देखने वाले थे उस सीन को, लेकिन उसके बाद इस बात को भी सुनने में ले जाके ठका दिया। कोई उसकी गिनती नहीं, हर कोई सरकार सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकती, लेकिन जिसके पास हाथ का हुनर हो और जो मिलिट्री फोर्स में पढ़ाई की हुई हो तो आज नहीं तो कल किसी भी उद्योग के अंदर जाके सरकार से भी बेहतर सर्विस ले सकता है। उस बात का पक्ष रखने के लिए हमने आगे अपनी खुलवाने की बात की थी और आज भी मैं कहता हूँ आपका आशीर्वाद होगा, आपकी सरकार आएगी और हम आई आई घोटाला बनाएंगे ताकि हमारे भाइयों को किसी तरीके की निशानी ना हो। दूसरा हमारी वकील सत्य कहते हैं जिले का, ये बात सत्य है कि जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर नाम है। ये दो जिले ही ऐसे हिंदुस्तान में जहाँ पर जिले का नाम कुछ है हेडक्वार्टर कहीं भाई प्रयास रहेगा कि जैसे सत्ता आएगी नाथ दौड़ बड़ा भाई है सब डॉक्टर बन चुके हैं
उसके दफ्तर उसके पास रहे और हमारा एक अलग जिला बनकर के हमारे दफ्तर नए बनाए गए, नया जिला बना के बहुत जिले प्रयास मेडिकल कॉलेज का भी रहेगा। मेडिकल कॉलेज हम यूनिवर्सिटी में लेके आए लेकिन एक आदमी केतन का हम प्रयास कर सकते हैं, जिस दिन केतन में आपकी सरकार आ जाएगी हम विश्वास न कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तक हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है सिर्फ रेफर करने के लिए, पेशेंट जाता है उसको लिख कर लाता है रेफर टू जयपुर, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू रोहतक, इलाज नहीं है उसका। उसमें से 50% बच्चे रास्ते के अंदर अपना अंतिम विदाई लेकर चले जाते हैं। ये है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की कंडीशन। मैं आपसे यही कहूँगा, अभी हमारे चार पाँच गाँव में बातें बहुत करनी थी कि ज्यादा कुछ मैं कहते हुए आप लोगों को विचार बनाना है, सोच रखनी है और मुझे पूरा भरोसा है कि पुराना गांव का एक भाई और बहन अपने विवेक से काम लेगा, हक से काम लेगा और सोच से बंधन और चिंतन से काम लेगा और सिर्फ कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प दूसरा नजर नहीं आएगा। कांग्रेस के हाथ के निशान पर बदलावा दो आपका निशान है, लोगों को बता देंगे एक वादा किया कि अगर हमें सत्ता दी तो हम आपको 3100 रुपए दे देंगे। 5 साल बीत गए, आज जाके 3000 हुआ, 3100 भी नहीं होगी। भाई कांग्रेस एक बात कहती है नहीं करते तो नहीं काम तो 6000 में सीधे देंगे। और भाई हमारी बहन जब दूल्हे में बैठती है तो याद रखती है कि इसकी कीमत क्या है। जब कांग्रेस का राज था तो 400 रुपए का सिलेंडर था, फिर भी एक कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे हाई महंगाई हाई महंगाई। अब आप कहना चाहते हैं कि चाहे 1100-1200 देते हो, हम 500 रुपये मात्र तो सिलेंडर देंगे, 300 रुपए की मिली थी आपको फ्री देंगे ताकि जो महंगाई है जो थोड़ी सी राहत मिले। और भाई जो बीपीएल परिवार है उन बीपीएल परिवार को 100 रुपए का टुकड़ा हमने ही दिया था, उसके बाद एक इंच नहीं दी। अब दोबारा से आप सत्ता देंगे तो 100 रुपए का टुकड़ा खाली नहीं होगा, उसको 2 करोड़ एक रसोई के माध्यम से होगा मिलेगा। जो भाई हमारी कोई बहन विधवा हो गई उसको भी 6000 पेंशन मिलेगी और कोई भाई विकलांग हो गया उसको भी 6000 मिलेगी। और कोई बहन जो बहुत ऐसा है पढ़ी लिखी नहीं है घर पे रहती है उसको काम करने के लिए चाहता नहीं तो उसके लिए भी भैया 2000 रुपये पर मंथ हमारी सरकार आने के बाद दे दिया। हम ये सोच के देखिए भाई कोई बीमार हो जाए और उसका बड़ा इलाज करना पड़े अच्छे हॉस्पिटल में पैसे बहुत सही तो बहुत लोगों का काम हो जाए। तो भाई भगवान करे हमें जो काम है लेकिन हरी बीमारी किसी से पूछती नहीं। अगर कोई भाई बीमारी में कोई जरूरत है तो भाई 25 लाख तक का इलाज फ्री में कर दिया जाएगा किसी को किसी को। एक लास्ट जो है आप सब लोग परेशान है देख लिया क्योंकि इससे किसी की सर्विस कट जाते हैं, किसी की पेंशन कट जाती है, किसी का भरा सरकार कट जाता है, लोग परेशान है। तो भाई आपके इस सबसे पहले काम करना मानते हैं कोई सर्विस और मैं तो ये भी कहूँगा आपसे कि आप समय आ चुका है बदलाव का, आप भी हमें बदल दीजिए निश्चित तौर पर विकास लेकर जाएंगे विकास के बदलाव में नजर बता दीजिए। मैं एक बात और कहूँगा कि जब मैं इस तरह सवाल जानता हूँ तो मेरे को कई कुछ लेते नेता भी हाँ अभियान सर कोई बात एक समस्या पीने के पड़ेगी तो मैं मेरे विश्वास दिलाता हूँ आपका राज आने के बाद उसका 100% समाधान कराने में इसमें कोई लोग है। और कई भाई मुझे लगते हैं नेता जी ध्यान
बोला हम वोट तो आपको देंगे, बहुत अच्छी बात है। बोला ना क्यों, बोला जी हम तो वोट दे देंगे लेकिन कोई क्या देगा, जैसे तो वोट देंगे तो फिर क्या होगा। धन्यवाद करता हूँ।